हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर लेक्चर नंबर वन में जिसमें चैप्टर का नाम आपका था मेजरमेंट एंड इरर्स का लेक्चर नंबर वन डियर स्टूडेंट्स हम इसके पहले के वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियोज़ को सिक्वेंशियली देखें, तभी आपको पूरे रूल्स और पूरे मेथड्स क्लियर होंगे। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर होता है वो आपका प्रीवियस लेक्चर से कुछ ना कुछ जो है रिलेटिव होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियोज़ को सिक्वेंशियली देखें। ठीक है, सीरीज में देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है अपने चैनल पर, तो प्ले लिस्ट से जा करके आपको सारे वीडियो सिक्वेंशियली मिल जाएंगे। ठीक है, एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू होते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप करना चाहेंगे, जैसे कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस किए हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इनमें ग्रेटर दैन 6, 2, 7, 8 रूल जो है फुल टोटल डिस्कस किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी टॉपिक है। ठीक है, आपको रूल्स क्लियर हों, आप कोई भी न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली, है ना। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड, क्योंकि इनके रूल्स हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि हमारे रूल्स कैसे फॉलो होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स आपके फ्रंट में लिखते हैं। फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम पहला एग्जांपल से पूछ करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा 1, 2, 3, 7, 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें पहला रूल आपका कम्प्लीटली फॉलो हो रहा है। पहला रूल जैसे हमने बता रखा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, ठीक है, गिवन वैल्यू में, वो सब आपके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 5। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल चूज करते हैं। नेक्स्ट है 60, 24.7। ये डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है। आई होप आपको रूल्स क्लियर होंगे। अगर आपको रूल्स क्लियर हैं, मेथड क्लियर हैं, तो आपको इनको सॉल्व करने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें डियर स्टूडेंट्स देखें ध्यान से, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखेंगे, यहाँ पर ये जीरो है, लेकिन दो नॉन जीरोज के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए ये भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर डियर स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर आपका 5 हो गया, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आइए चूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 0.071। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रूल्स क्लियर होंगे, मेथड आपको तैयार होंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको आपके फ्रंट में पूरे के पूरे मेथड 8 मेथड थे, इन सबको एक्सप्लेन कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अगर इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, तभी आप इसको इनमें आप कंटिन्यू हो पाएंगे, तभी ये आपको इसमें कॉन्सेप्ट जो है मेथड्स जो है क्लियर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, 0.071 इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखें कितना आएगा, यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो जीरो है डेसिमल के बाद तो है, लेकिन डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। ठीक है, डेसिमल के पहले अगर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो यह भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको रूल्स क्लियर होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल सब कुछ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 4100। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखें जो दोनों जीरोज हैं ये डेसिमल के
बाद नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई डेसिमल वैल्यू होती, कोई डेसिमल होता उसके बाद ये जीरोस प्रेजेंट होते, तब इनको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर पाते, है ना। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4/1 इसका केवल और केवल सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बाकी क्या होंगे, बाकी इसमें नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 0-0, है ना। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, 2.40। नेक्स्ट रूल है हमारा 2.40, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसको आप लोग ट्राई करेंगे, 2.40 सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, यहाँ पर देखें डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो है, तो इसको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। 1, 2, 3। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स 1.60 × 10^14, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका भी रूल आप लोग पढ़ चुके हैं, 10^10 में जितने भी जो भी वैल्यूज, चाहे जितनी वैल्यूज दी हैं गिवन रहे, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती हैं, वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट आपका केवल 1.60 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स आपके फ्रंट में एक्सप्लेन किया जो कि सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड थे। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको मेथड्स क्लियर हो रहे होंगे, आपको मेथड्स और रूल्स याद रखने हैं, अगर आपको रूल्स इनके याद रहेंगे तो आपकी कोई भी क्वेश्चंस आपके हेल्पिंग बुक्स में जो भी क्वेश्चंस गिवन हैं आप उनको वेरी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम आज का नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंट फिगर से ही रिलेटेड भी है, इसको आइए हम स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं राउंड ऑफ डिजिट, ठीक है, राउंड ऑफ डिजिट। डियर स्टूडेंट्स राउंड ऑफ डिजिट, राउंड ऑफ डिजिट की जरूरत क्यों पड़ी, आइए थोड़ा सा इसको हम इसमें सीखते हैं। राउंड ऑफ डिजिट की जरूरत डियर स्टूडेंट्स इसलिए पड़ी, जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कोई वैल्यू मेजरमेंट करते हैं तो कभी कभी उसकी लार्ज वैल्यूज हमको मिलती हैं, जैसे एग्जाम्पल में 2.34532, ठीक है, कभी कभी हमको कुछ इतनी लार्ज वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। तो इन लार्ज वैल्यूज को रिड्यूस करने के लिए, इनको हम कन्वेंस, ये हमारा कन्वेंस के लिए कि इसको शॉर्ट में लिखें, टाइम टेकन कम हो, तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ डिजिट का हेल्प लेते हैं। राउंड ऑफ डिजिट कैसे करते हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आइए हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। इनके कुछ रूल्स हैं, मैक्सिमम 4th रूल हैं, ठीक है। तो चारों रूल सभी हम आपको सिखाएंगे 1 by 1 विद एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स हम इनको शॉर्ट करके 2.34 लिख देंगे या 2.35 लिख देंगे, जैसे यहाँ पर राउंड ऑफ का हेल्प कैसे लेंगे ये हमारा क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स जैसे रूल सीख लेंगे तब। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे थे राउंड ऑफ करने की जरूरत, राउंड ऑफ को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो राउंड ऑफ डिजिट की जरूरत डियर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट इसकी क्यों हुई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको आइए हम सबसे पहले इनके रूल्स सीखते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ डिजिट के आइए हम सबसे पहले रूल्स सीखते हैं, इनके रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 में जैसे आपको कोई गिवन वैल्यूज है 2.32, ठीक है, जैसे आपके फ्रंट में कोई वैल्यूज गिवन है 2.32, आपसे कहा जाए अभी इसका ध्यान दें इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3। अगर आपसे कहा जाए, क्वेश्चन हो आपका कि आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए, ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए, तो क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है आपका, या जैसे कि हमने अभी अभी बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 3 होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे 3 के जस्ट बाद वाला, जैसे यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर हम लिखे होते 2, ठीक है, यहाँ पर आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन वही है हमारा कि इसको आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करोगे, आप दूसरे सिग्निफिकेंट डिजिट पर पहुँचोगे,
तो टू सिग्निफिकेंट, सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट आपका थ्री है ना, तो थ्री के बाद टू है, ठीक है। इस टू को हम इग्नोर कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, इस टू को हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पर 2.3, क्योंकि हमको टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो हम दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे, थ्री है, थ्री के जस्ट बाद वाला डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो थ्री के जस्ट बाद वाला डिजिट देखोगे यहाँ पर टू है, और टू जो है डियर स्टूडेंट्स फाइव से कंपेयर करोगे, टू को जो भी लास्ट डिजिट आपका गिवन है उसको फाइव से कंपेयर करोगे, फाइव से कंपेयर करोगे लेस है कि ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टू हमारा फाइव से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फाइव से लेस वैल्यू होती है इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2.3, सिग्निफिकेंट फिगर टू तक या सिग्निफिकेंट डिजिट टू तक कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 2.3, इसको हम राउंड ऑफ करते समय इसमें नो चेंजिंग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा, इसमें हम नो चेंजिंग करेंगे। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सेकेंड रूल क्या है, रूल नंबर सेकेंड, अगर ये ग्रेटर हो जैसे 2.37 हो, ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट डिजिट को आप फाइव से कंपेयर किया आपने, यहाँ पर ये फाइव से ग्रेटर है, ठीक है, फाइव से ग्रेटर है, सेवन क्या है, सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, तब क्या करोगे, तब डियर स्टूडेंट्स वन का इंक्रीमेंट कर दोगे, इसको राउंड ऑफ करते समय टू सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करोगे, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2.4, ठीक है, 2.4 मिलेगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स दो रूल्स आपके क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही ईजी है, दोनों रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड रूल देखते हैं, रूल नंबर थ्री, डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर फाइव ही प्रेजेंट हो, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे फाइव से लेस या फाइव से ग्रेटर, ठीक है, जैसे लिखा हो 2.251, ठीक है, इसको भी आप टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए, क्वेश्चन हमारा क्या है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट पर पहुंचोगे, सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट आपका टू है, टू के बाद देखेंगे तो फाइव आ रहा है, अब इसको फाइव से कंपेयर कैसे करोगे, नहीं कर सकते है ना, तो यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स फाइव के बाद वन है, फाइव के बाद अगर नॉन जीरो वैल्यू है, फाइव के बाद अगर नॉन जीरो वैल्यू है, इफ आफ्टर फाइव इज नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है, अगर पांच के बाद नॉन जीरो है तो डियर स्टूडेंट्स इसके पहले का डिजिट जो है उसमें हम वन का इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल है। इसको अभी हम इस पर बेस्ड मैंने एग्जांपल्स लेकर के इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी आप रूल सीखेंगे, यहाँ पर 2.251, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फाइव के बाद नॉन जीरो वैल्यू है, फाइव के बाद नॉन जीरो वैल्यू है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसके पहले वाले डिजिट में हम वन का इंक्रीमेंट कर लेंगे, यहाँ पर हमको मिलेगा 2.3, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 2.3 मिलेगी, इसमें हम वन का इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट रूल सीखते हैं, अगर 0% हो, ये तो अभी बात की हम फाइव के बाद नॉन जीरो वैल्यू थी है ना, अब हम जीरो की बात कर लेते हैं, रूल नंबर फोर जैसे लिखा हो डियर स्टूडेंट्स 2.2750, ठीक है, 2.2750, क्वेश्चन हमारा वही है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है आपको, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करने के लिए डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, तो यहाँ पर सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट पर पहुँचोगे जो कि टू है, ठीक है, टू के बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सेवन है, ठीक है, सेवन के बाद देखेंगे फाइव है फिर जीरो है, यहाँ पर ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट्स 250 ही केवल ले लेते हैं 250, ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या है देखो फाइव के बाद जीरो है तो यहाँ पर टू पॉइंट, अब यहाँ पर अगर फाइव के बाद जीरो भी प्रेजेंट हो, नॉन जीरो प्रेजेंट था तो इसके लिए हम क्या किए थे इसके पहले वाले डिजिट में, ठीक है, जहाँ पर हमको राउंड ऑफ करना था उसमें हम वन का इंक्रीमेंट कर लिए। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या करोगे जब फाइव के बाद जीरो प्रेजेंट हो, तो आप फाइव के पहले वाली लेफ्ट वाली वैल्यू देखोगे वह इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ठीक है,
यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो टू आपका क्या है, इवन नंबर है। अगर यहाँ इवन नंबर होता है इसकी वैल्यू अनचेंज रखते हैं, मतलब यहाँ पर 2.2 ही लिखा रहने देंगे जस्ट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर फाइव अगर इसमें लिखा हो 2.2, 2.350, ध्यान देंगे इसमें भी आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। इसके लिए क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पर 2 पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, 3 के बाद हमको इसको कंपेयर करना था जो नेक्स्ट डिजिट रहता है उसको 5 से, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट आपका 5 ही प्रेजेंट है, तो 5 के बाद 0 भी प्रेजेंट है ना, तो 5 के बाद 0 भी प्रेजेंट है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 के पहले वाली वैल्यू देखते हैं, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑड नंबर है 3 आपका, ठीक है। तो जब 3 आपका ऑड नंबर हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। आई होप आपको 4-5 रूल से क्लियर हो गए होंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला रूल क्या है कि आप गिवन वैल्यू को पहले तो 5 से कंपेयर करो, ठीक है, जहाँ तक राउंड ऑफ करना है, उसके बाद वाली वैल्यू को आप 5 से कंपेयर करो। जैसे पहले एग्जांपल में देखो आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, ठीक है, जब इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरा डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट हम देखे 3 था, ठीक है, 3 के जस्ट बाद वाला डिजिट देखे 2 था। जस्ट बाद वाले डिजिट का ही कंपैरिजन डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके बाद वाला जस्ट डिजिट 2 था, 2 को हमने 5 से कंपेयर किया तो 5 से लेस थी 2 की, 2 जो है 5 से लेस है, तो 5 से लेस वैल्यू है, इसको हम एज इट इज लिखा रहने दिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2.37 है, ठीक है, 7 जो है डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि 5 से ग्रेटर है, जब 7 वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर इसको हमने इसके पहले वाले सिग्निफिकेंट डिजिट को 1 से इंक्रीज कर लिया, ठीक है। थर्ड रूल क्या था, अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 हो, ठीक है, और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट हो, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट होता है इसमें हम इसके पहले वाले डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट था हमारा अगर 5 के बाद 0% हो, तो 0% होता है इसमें डियर स्टूडेंट्स 2 रूल होते हैं, इसके पहले 5 के पहले वाला डिजिट हम देखते हैं इवन है कि ऑड है, अगर इवन होता है तो उसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, अगर ऑड होता है तो उसमें हम चेंजिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम चेंजिंग 1 का करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको ये मेथड्स, ये रूल्स और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स में डियर स्टूडेंट्स सपोज करते हैं हमारा क्वेश्चन है राउंड ऑफ डिजिट, राउंड ऑफ डिजिट 2, 3 सिग्निफिकेंट, राउंड ऑफ ए डिजिट 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने हैं गिवन वैल्यूज का। गिवन वैल्यूज में पहली वैल्यू है आपकी 7.364, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट पर पहुँचोगे, ठीक है, थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 6 है, फिर इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू देखोगे, इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू देखो तो 5 से लेस है, ठीक है, 5 से उसको कंपेयर करेंगे तो 5 से लेस है 4, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 7.36, इसमें हम नो चेंजिंग करेंगे, ठीक है, एज इट इज ये रहेगा। क्यों ये एज इट इज कंटिन्यू रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 5 से लेस है, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करते हैं, इसमें एग्जांपल नंबर 2 है 7.367
7.367, ठीक है। इसका डियर स्टूडेंट्स ट्राई करें, आप मेथड आप लोग सीख लिए हैं, रूल सीख लिए हैं, इसको ट्राई करें। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको 3 तक को इसको राउंड ऑफ करना है। आप क्या करोगे, थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट पर पहुंचोगे, ठीक है। थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 6 है, इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू देखो, इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू 7 है, तो 7 जो है 5 से ग्रेटर है ना। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7.37, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे रूल्स उतने ही क्लियर होंगे आपके, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका है 8.3251, 8.3251। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, 8.3251 आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 2 है, 2 के जस्ट बाद वाला वैल्यू देखो 5 आ रहा है, तो 5 से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के बाद वाली वैल्यू देखो, 5 के बाद 1 है जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो होता है तो हम इसके पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर लेते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर 1 इंक्रीज करेंगे तो ये आ जाएगा 8.33, है ना। 2 में हम 1 का इंक्रीमेंट कर लेंगे, 8.33 हो गया, है ना। आपको डियर स्टूडेंट्स रूल्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा 9.445, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो थर्ड डिजिट में पहुँचोगे 4 है ना। अब थर्ड के बाद वाला डिजिट देखो 5 ही है, ठीक है। अब 5 के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो जब 5 के बाद कुछ नहीं लिखा होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 मान लेंगे तो आप देखो यहाँ से इसको क्या करोगे, यहाँ से देखें तो 5 के पहले जो है इवन नंबर है, 5 के पहले इवन नंबर है तो इसमें हम नो चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो 5 के पहले इवन नंबर है तो इसमें नो चेंजिंग मतलब 9.44, है ना। आपका ये रूल्स भी क्लियर हो गया होगा। इसमें डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 5 के बाद ना तो 0 लिखा था ना ही नॉन जीरो लिखा था, ठीक है। तो इसमें आप 0 बना लेंगे, है ना, अगर नहीं रिटर्न है तो इसमें आप 0 बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा 9.4450, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स 9.4450, इसमें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जैसा कि एज इट इज है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका 15.75, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स देखें, ध्यान से देखें, आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 7 हो गया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, 7 के बाद वाला डिजिट क्या है, 5 है। तो ये 5 है, अगर ये 5 है तो डियर स्टूडेंट्स 5 के बाद ना तो 0 है ना ही नॉन जीरो डिजिट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 0 बना लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका 15.7, यहाँ 5 के पहले 7 है, ठीक है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ऑड नंबर में क्या करते हैं, अगर 5 के बाद 0 रहता है और 5 के पहले ऑड नंबर होता है, इसमें हम 1 का इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 15.8 आंसर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई होप आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे राउंड ऑफ करने का, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स मोर एंड मोर एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व किया करें, आपके हेल्पिंग बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हों सब ट्राई किया करें, ठीक है। वन टाइम्स आप जो हम क्वेश्चंस लिखते हैं इनको भी ट्राई किया करें, ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। अब डियर स्टूडेंट्स 7 देखते हैं, 7 आपका एग्जाम्पल है 15.7500, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट पर पहुंचेंगे, 7 है, 7 के जस्ट बाद वाला डिजिट देखेंगे 5 है, ठीक है। तो 5 से इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, 5 के जस्ट बाद वाला देखो 0 है, तो 5 के जस्ट बाद अगर 0 है उसके पहले ऑड नंबर है, 7 आपका ऑड नंबर है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 15.8 हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा
सेवन में वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 15.8 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स। आप इस पर राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट डिजिट पर जितने भी एग्जांपल्स आप लोगों की बुक में हो, अभी इसमें कुछ रूल्स बचे भी हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं और इसका राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये इन सब पर बेस्ड डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोग केवल इतना सीखेंगे और इनसे रिलेटेड आप अपनी हेल्पिंग बुक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और होपफुली सॉल्व भी होंगे। ठीक है, आई एक्सपेक्ट दैट ऑल क्वेश्चंस यू विल गेट वेरी सिंपली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं और आप लोग मेहनत करें और मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करें, जो भी मेथड सीखें उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके मिले, चाहे किसी होम एग्जाम के पेपर में, चाहे आपके हेल्पिंग बुक्स हों, ठीक है, उनको आप ट्राई करें, उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप लोग मेहनत करें, रेगुलर कंटिन्यू रहें और वीडियोज को सिक्वेंशली देखें, रिवाइज करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।